प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और दो तीन दिन के बाद मैं लाइव हुआ हूँ आज, और आज हमारा उद्देश्य है लाइव होने का। आप जो एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें बहुत तरह का कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है, तो उसके बारे में कमेंट करते रहते हैं। हमको लगा कि जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उसका कुछ न कुछ उसके बारे में हम विशेष रूप से आपको बताएं और आपके कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। तो एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के संदर्भ में सबसे ज़्यादा बच्चों को का प्रॉब्लम उसमें आया है कि सर, पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस का क्या मतलब हुआ, कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे प्रभावित करेगा। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस का मतलब ही होता है कि जितना भी आप प्रिफरेंस उसमें डाले हैं, जितनी भी कैटेगरीज उसमें हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपका विचार होगा और रिजल्ट जो आपका आएगा, तो आप कितना उसमें स्कोर किए हैं, वो टोटल ऑप्शन को प्रभावित करेगा। जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें, जितना भी आप प्रिफरेंस दिए हैं, टोटल प्रिफरेंस को प्रभावित करेगा। तो अगर जो भी आप मान लीजिए कि पहले आप एएलपी को प्रिफरेंस में रखे हैं, उसके बाद टेक्नीशियन को, उसके बाद अन्य पोस्ट को, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको मैक्सिमम मार्क्स आया तो पहला प्रिफरेंस मिलेगा, और नहीं तो उसके बाद दूसरे प्रिफरेंस पे विचार किया जाएगा, तीसरे प्रिफरेंस पे विचार किया जाएगा, और अंत तक ये प्रोसेस चलेगा। तो पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस का यही मतलब होता है। अभी के संदर्भ में हम जो देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, चूंकि अलग अलग बोर्ड में बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो मैक्सिमम बोर्ड का स्थिति हम यही देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे एएलपी को पहले प्रिफरेंस में रखे हैं और टेक्नीशियन को उसके बाद रखे हैं, प्लस अन्य पोस्ट को भी उसके बाद रखे हैं। तो अप्रोक्स हम मान करके चलते हैं कि 60% बच्चे एएलपी को फर्स्ट प्रिफरेंस में रखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स आया तो एएलपी मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद टेक्नीशियन पर भी विचार होगा। तो बहुत बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि सर, हम टेक्नीशियन को पहले रख दिए हैं, एएलपी को इसके बाद रख दिए हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, हमको एएलपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बात को समझना है पहले कि अगर एएलपी आपका फर्स्ट च्वाइस है और अगर एएलपी के लायक मार्क्स मिला आपको, तब तो एलपी मिल जाएगा। और अगर उसके बाद टेक्नीशियन, जैसे एलपी आपको नहीं मिल पाया, टेक्नीशियन का कट ऑफ अगर एलपी से कम गया है, तो निश्चित रूप से फिर आपका टेक्नीशियन पर विचार होगा, और अगर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स है तो आपको एलपी नहीं मिला, तो टेक्नीशियन निश्चित रूप से मिलेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स है तो। और कुछ बच्चे जो टेक्नीशियन पहले रखे हैं, एलपी को बाद में रखे हैं, तो उनका जो क्वेश्चन होता है कि सर, हमको एलपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले तो ये समझना है कि आप जिस भी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में जिस पोस्ट को मैक्सिमम बच्चे प्रिफरेंस में पहले रखे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, उसके बाद ही दूसरे पोस्ट का जाएगा। अगर एलपी ज्यादा बच्चे रखे हुए हैं फर्स्ट प्रिफरेंस में, तो स्वाभाविक रूप से एलपी का कट ऑफ ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का कट ऑफ होगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो जो बच्चे टेक्नीशियन को पहले रखे हैं, तो उनका क्या हिसाब किताब होगा कि अगर उनको मैक्सिमम मार्क्स आ गया तो उनको टेक्नीशियन मिलेगा, अगर एलपी का कट ऑफ अगर कम गया तो उनको एलपी मिलेगा वहां पर दूसरे प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात को समझना है कि साइको के लिए आप सबको बुलाया जाएगा, अगर साइको का कट ऑफ जितना तय किया जा रहा है उससे अगर आपको ऊपर आता है, तो चूंकि रिजल्ट सबका एक साथ देगा, एएलपी का, टेक्नीशियन का, अन्य भी पोस्ट का, सबका पहले साइको इसका ले लिया जाएगा, जो भी बच्चे जिनको भी साइको के लिए बुलाया जाएगा, बाद में एक मेरिट सबको मिला करके बनाया जाएगा। तो वहां पर अगर आप साइको डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, जो साइको को प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखे हैं, तो फिर टेक्नीशियन पर उनका विचार हो जाएगा। अगर टेक्नीशियन को पहले रखे हैं तो डायरेक्ट वहीं पर लॉक हो जाएगा, आपको एलपी का पोस्ट के पास आप नहीं पहुंच पाइएगा, साइको दिए हैं तब भी, अगर उससे ऊपर मार्क्स आया तो। अगर उतना मार्क्स आपको नहीं आया,
और एएलपी का अगर कट ऑफ उससे नीचे गया है, अगर फर्स्ट प्रिफरेंस में उस बोर्ड में अगर बच्चे टेक्नीशियन को ज्यादा तवज्जो दिए हैं तो टेक्नीशियन का कट ऑफ वहां ऊपर गया, उसके बाद एएलपी का गया तो वहां पर आपको एएलपी मिल जाएगा। नहीं तो फिर अगर उसके कट ऑफ के पास भी आप नहीं पहुंचते हैं तो अगर उनके बाद वाला पोस्ट अगर कुछ मिलने का होगा तो फिर वहां पर आपका विचार होगा। तो पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस में जनरली यही सब चीज देखा जाता है। दूसरा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस है कि सर साइको एक्चुअली में क्या होता है। तो पहले तो साइको के बारे में ये समझना है कि साइको में जितना आपको घबराहट होता है, साइको के बारे में सोच को उतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि साइको जस्ट नॉन वर्बल रीजनिंग है। बोर्ड आपसे ये उम्मीद करती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहती है कि परिस्थिति जन्य अगर आपको निर्णय लेना पड़े तो अचानक आप किस तरह से तुरंत आप निर्णय ले सकते हैं। एक तरह से साइको के माध्यम से बोर्ड आपसे यही जांच करना चाहती है। तो बोर्ड ये नहीं जानती है या ये नहीं आपसे चाहती है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं और तब जाकर के वहां साइको आप दें। बोर्ड ये चाहती है कि बच्चों को हम बुलाए, अचानक क्वेश्चन दिए बच्चों को और तुरंत हम उनका रिजल्ट जानना चाहे कि बच्चे कितना क्वेश्चन इसमें से कर पाए। उसमें आपको क्वेश्चन की संख्या मैक्सिमम रहेगी और टाइम आपको मिनिमम मिलेगा। 5 मिनट में आपको दे दिया जाएगा कि 50 क्वेश्चन बनाना है, 5 मिनट में दे दिया जाएगा कि 90 क्वेश्चन बनाना है। तो कितना क्विक आप बना सकते हैं इसी का जांच आपसे बोर्ड करती है। तो जस्ट साइको में यही सब चीज होता है। वैसे साइको तो 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। अगर आपको 3 से 5 दिन तक अच्छे से उसका कंसेप्ट समझा दिया जाए तो आपको लगेगा कि साइको तो हम बेकार पर है, ये तो खुद भी हम कर सकते थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से इस चीज को आप कर सकते हैं। उसके बाद जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिएगा उतना परफॉर्मेंस आपका ऊपर चला जाएगा, उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस दिखेगा। लेकिन होता क्या है कि चूंकि फाइनल स्टेज का एग्जाम होता है, बच्चे इसका रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि खुद से आप कर लिए, अगर किसी कारण बस आपका रिजल्ट मिस हो गया तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात सेट हो जाएगा कि अगर हम साइको कर लिए रहते, कहीं अच्छे ट्यूटर से पढ़ लिए रहते तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारा परफॉर्मेंस अलग होता, हमारा आज फाइनल सिलेक्शन हो गया रहता। तो इसीलिए बच्चे इसी कन्फ्यूजन में अधिक से अधिक परेशान होकर के साइको करना चाहते हैं, साइको पढ़ना चाहते हैं। और थोड़ा सा गाइड मिल जाता है तो अच्छा ही होता है, उसमें कोई बच्चों को परेशानी नहीं होती है। जो चीज खुद से ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ता है अगर उसी को दिशा निर्देश सही तरीके से दे दिया जाए तो कम समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जस्ट साइको वही चीज है। तो बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर साइको अभी करना उचित होगा कि रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद साइको करना उचित होगा। तो मेरा अपना मानना है कि अगर जैसे अगर आपको लगता है कि जो हम एक मानक कट ऑफ आपको दिए हैं कि इतने से ऊपर अगर आपको आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो साइको अभी करने से फायदा ये होता है कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। जो 3 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 10 दिन का कोर्स हुआ वो आप कर लिए, उसके बाद लगातार अच्छे बुक्स मार्केट से लेकर के उसका लगातार सेट डेली बाय डेली बनाते जाएं तो आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। चूंकि सीबीटी मोड में साइको होगा तो इसलिए एक बार अभी से सीबीटी मोड में प्रैक्टिस कर लें, अगर आपका संभव हो पाता है, उस तरह का उपलब्ध हो पाता है कहीं पर व्यवस्था, और लास्ट में जब एग्जाम का डेट दे यानी कि रिजल्ट आपका देने के बाद पुनः एक बार इसका प्रैक्टिस ऑनलाइन आप कर लें तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा। प्लेटफॉर्म में भी अभी साइको का बैच स्टार्ट हो गया है और हर 3 दिन पे एक नया बैच इसका स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम ऑफलाइन पूरा का पूरा साइको कराते हैं, फिर उसका ऑनलाइन प्रैक्टिस कराते हैं। इसलिए ये कोरम आपका जितना भी साइको के लिए नीड है ये इससे पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उस समय भी लगातार बैच अभी से चलते रहेगा, उस समय भी आप साइको कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर रिजल्ट के बाद साइको के लिए कितना दिन का समय मिलेगा, तो आप ये बात समझ लें, इस बात को मान लें कि 20 दिन से लेकर के 1 महीने का समय मैक्सिमम आपको बोर्ड देगी साइको के लिए। तो 20 दिन में भी आप अच्छे से साइको कर सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा हड़बड़ाहट ज्यादा रहता है, बच्चे के मन में साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि इतना कम समय है, पता नहीं कैसे हमसे होगा, इसलिए थोड़ा सा परेशानी उस समय फील होने लगता है। इसलिए संभव है तो अभी कर लेने, तो उस समय भी करिएगा तो हमको इतना विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आपका साइको का तैयारी हो जाएगा।
तीसरा कुछ बच्चे क्वेश्चन हमसे करते हैं कि सर हमारा विजन 6x9 है, सर हमारा विजन 6x12 है, तो और पहले हम ALP को दे दिए हैं प्रिफ्रेंस में, अब क्या होगा मेरे साथ। या बहुत सारे बच्चे का होता है कि नहीं 6x6 मेरा विजन नहीं है, इसके कारण से हम टेक्नीशियन का पहले रख दिया है, ALP में हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं, फिर वही बातें यहाँ पर आ जाती है। तो ये बात आप मान करके चलें, पहले क्या होता था कि अगर विजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहता था तो बच्चे लेसिक करा करके चले जाते थे और बच निकलते थे मेडिकल में, जनरली बहुत प्रॉब्लम नहीं होता था, फाइनली उनको सेलेक्ट कर लिया जाता था, ले लिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपको विजन में प्रॉब्लम है तो अब मेडिकल का भी इतना सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, जब मेडिकल होता है तो एक बूंद अगर आपके आंख में केमिकल एक होता है डालेगा, तुरंत पता चल जाएगा कि आप लेसिक कराए हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम है। तो और वहां पर अगर 6x6 विजन नहीं रहा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बच्चे पहले अगर ALP को रखे हैं तो निश्चित रूप से एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि अगर मेडिकल में सारे बच्चे अभी से विजन का टेस्ट करा लें, अगर ALP फर्स्ट प्रिफरेंस पर रखे हैं और अगर आपको ALP में सिलेक्शन हो गया तो मेडिकल ये जान लीजिए कि सबसे लास्ट में होता है। आपका रिजल्ट जब फाइनल दे देगा उसके एक महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद या उससे ज्यादा भी समय लगता है आपको जब मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। हालांकि उसके पहले आपसे मेडिकल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अगर मेडिकल में प्रॉब्लम होगा तो आपका सर्टिफिकेट ही इशू नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट जहां तहां से मैनेज करके बना लेते हैं और उनको अपना विजन का क्या पोजीशन है पता नहीं चल पाता है, अब बाद में पता चलता है कि उनका विजन में प्रॉब्लम है तो अचानक उनको दिक्कत हो जाती है। तो इस बात को आप समझ लें कि अगर आपको विजन में प्रॉब्लम है तो अगर आपका ALP में फाइनल हो गया, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया तो बाद में आपको टेक्नीशियन नहीं मिल पाएगा। फाइनल रिजल्ट होने के बाद, बाद में मेडिकल के वक्त पता चलेगा कि आपको विजन में प्रॉब्लम था, तो उस परिस्थिति में चूंकि आपका पहला प्रेफरेंस पर ही जाकर लॉक हो गया, दूसरा प्रेफरेंस जो टेक्नीशियन आप दिए हैं आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, तो आपका यहीं पर ऑप्शन समाप्त हो जाता है। लेकिन हमको पहले से पता रहता है कि नहीं हमको विजन में प्रॉब्लम है और ALP को पहले हम रख दिए हैं, तो उस परिस्थिति में अगर आप साइको को मिस करते हैं या मिस जानबूझ करके भी अगर आप मिस कर जाते हैं साइको को, तो वहां पर आपका टेक्नीशियन ऑप्शन जिंदा रहता है और टेक्नीशियन का जितना कट ऑफ जाएगा अगर उससे आपको मार्क्स ऊपर आया तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट आराम से मिल जाएगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ALP फाइनल आपका हो गया और मेडिकल में प्रॉब्लम है तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा, टेक्नीशियन आपको नहीं मिलने वाला है। और जो बच्चे टेक्नीशियन को फर्स्ट प्रिफरेंस में रखे हैं, मेडिकल विजन में प्रॉब्लम है, 6x6 नहीं है, तो उनको विशेष परेशानी नहीं होगी क्योंकि टेक्नीशियन का जो विजन का स्टैंडर्ड है वो नीचे है, वहां तक आपका निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे, आपको मेडिकल में कोई परेशानी नहीं होगी, आपका अंतिम चयन होगा ही होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन किए हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक देने की संभावना है। रिजल्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी ये आपका होगा, अभी रिजल्ट में थोड़ा सा समय आपका लग सकता है। कारण यह है कि अभी जो री एग्जाम होना है, अभी तो क्योंकि बहुत सारे सेंटर कैंसिल हुए थे, कोई ना कोई छोटा छोटा प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण से बहुत सारे सेंटर को कैंसिल किया गया, तो अभी तो उसी का एग्जाम नहीं हुआ है, पहले वो एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका आंसर की फिर जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन उस पर लिया जाएगा, तब जाकर के ऑब्जेक्शन आपका सबमिट करने के बाद तब रिजल्ट दिया जाएगा। तो अभी बीच का प्रोसेस आपका इतना सारा बाकी है, इसलिए मे बी कि अभी एक महीने से ऊपर इसमें समय लग सकता है। दूसरा इसमें होता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन किए हैं कि सर PCM वाले को भी साइको देना पड़ेगा क्या? तो सिर्फ ALP वाले को ही साइको देना पड़ेगा, PCM वाले को साइको देने की साइको की आवश्यकता नहीं है, उसका डायरेक्ट मेरिट बनेगा, डायरेक्ट उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद अभी नेक्स्ट एक बात और अब आपको समझना है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों मोड में अभी आप अच्छे से तैयारी किए हैं और निश्चित रूप से इस तैयारी का फायदा अब आगे आपको समय आ गया है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए और उठाने का मौका मिलेगा। क्योंकि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज अभी आप भी सुन रहे होंगे कमिंग सून में है, रेलवे ग्रेजुएट लेवल, TCCC, रेलवे ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारा पोस्ट आता है, उसमें आपका CA होगा, TA होगा, SM होगा, गार्ड होगा, फिर उसके बाद
और भी सीनियर क्लर्क है, JAA है, उसमें से देखना है कि कौन कौन सा पोस्ट अभी आपका वैकेंसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपका 10th लेवल का TCCC वगैरह होता है तो उसकी भी वैकेंसी आने की संभावना है। और कमोबेश अभी जो आप तैयारी किए हैं सब जगह पे सिलेबस यही रहना है, इसलिए बच्चों इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी जो आप पढ़ लिए हैं उसको इस बीच में मेंटेन बिल्कुल रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, लगातार इसका रिवीजन करते रहना चाहिए, जिससे कि आने वाली वैकेंसीज में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़े और यही मेहनत वहां पर आपको काम करे। इसके बाद जो बच्चे आपको CBT 2 दिए होंगे, जो अच्छे से आप ट्रेड की पढ़ाई किए होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फीटर हो या दूसरा भी जो आप ट्रेड की तैयारी किए होंगे, तो अगर मेट्रोज वगैरह का वैकेंसी अभी लगातार निकल रहा है और आगे भी आपका दिल्ली मेट्रो का या अन्य मेट्रोज का वैकेंसी, अब तो बहुत सारा मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो, अभी तो ढेर सारा मेट्रोज और स्टार्ट भी होने वाला है, तो इस ये भी बहुत बड़ा सेक्टर अभी के समय में हो गया है और उसमें आपका 60-70% ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है, बाकी 30% में सारा नॉन टेक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ट्रेड पढ़ा हुआ 100% वहां आपका काम करेगा। इसके अलावा भी ट्रेड अन्य स्टेट से जो निकलने वाली वैकेंसीज है, अभी UPPCL का एग्जाम हुआ, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हुआ और अन्य स्टेट से भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह से वैकेंसी आते रहती है। इसके अलावा NTPC, NHPC, भेल, गेल सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ढेर जगह से वैकेंसी आती है, वहां आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और यही ट्रेड आपका वहां पर भी काम करता है, तो ये ट्रेड पढ़ा हुआ आपको आगे चल करके निश्चित रूप से वहां पर अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा जो टेक्निकल के बच्चे हैं, डिप्लोमा या बीटेक वाले बच्चे, अभी JEE का फॉर्म आपका निकला हुआ है, तो यही नॉन टेक वहां पर आपका काम कर रहा है, सिलेबस कमो बेस मैक्सिमम सिलेबस आपका यही है, तो ये पढ़ा हुआ वहां भी काम करेगा और जो कमो बेस सिलेबस में है उसको आप एक्स्ट्रा पढ़ करके मेंटेन रखने का प्रयास करें, मेंटेन करने का प्रयास करें और कोशिश करना है कि ये जो आपका वैकेंसी का गोल्डन पीरियड चल रहा है किसी भी सूरत में इसको हमको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये समय अगर आप चूक जाइएगा तो आगे आने वाले दिन में हो सकता है कि और परेशानी आपका बढ़ जाए। इसलिए बच्चों आप बहुत मेहनती बच्चे हैं और लगातार जो स्थिति बनी हुई है इस चीज को समझते हुए जैसे भी हो आपके अपने गार्जियन के विश्वास को, हमारे विश्वास को और सभी जो आपके शुभचिंतक हैं उनके विश्वास को कायम रखने का प्रयास करना है और दिन रात एक करके मेहनत करते रहना है जब तक कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए बच्चों आगे हमको पूरा विश्वास है कि जो बात हम बोले हैं उसको गौर करने का प्रयास करेंगे और आगे और भी वीडियोज हम इस तरह का लाएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए।